एक तरफ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, इस सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में खेलकर कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में आने के लिए ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही राजस्थान और केरल के बीच खेले गए मैच में जलज सक्सेना ने किया। जलज ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस खिलाड़ी ने न सिर्फ गेंद से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि अपने बल्ले का दम दिखाते हुए राजस्थान के गेंदबाजों के भी पसीने छुड़ा दिए। केरल के ऑलराउंडर जलज सक्सेना ने इस रणजी ट्रॉफी मैच में 8 विकेट लेने के बाद शतक लगाया। इस कमाल को करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा राजस्थान के खिलाफ मैच की पहली पारी में 8 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में शतक लगाकर हासिल किया। इस शानदार जीत में अहम योगदान देने वाले जलज सक्सेना को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। आईपीएल में विराट कोहली की टीम बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स से जलज ने 95 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। इन 95 मैच में 37.71 की औसत से उन्होंने 5,180 रन बनाए हैं, जिसमें 194 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इतने रन बनाने के लिए उन्होंने 12 शतक और 27 अर्धशतक जमाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी जलज का जलवा कायम है। इतने ही मैचों में उन्होंने 244 विकेट अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, वो 15 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर चुके हैं, तो 5 बार उन्होंने एक मैच में 10 विकेट लेने का कमाल किया है। टीम इंडिलिंक्स।